जोहार, जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। बन्ना गुप्ता और सरयू राय के बीच जो राजनीतिक लड़ाई चल रही थी, जो राजनीतिक नूरा कुश्ती चल रही थी, उसमें अब एक नया मोड़ आया है। बन्ना गुप्ता ने सरयू राय पर मानहानि के दो मुकदमे कर रखे थे। पहला मुकदमा कोविड प्रोत्साहन राशि में घोटाले के आरोप के बाद किया गया था और दूसरा मुकदमा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरयू राय के खिलाफ तब किया था जब सरयू राय ने आरोप लगाया था कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पास एक प्रतिबंधित श्रेणी की पिस्टल है, ग्लॉक कंपनी, ऑस्ट्रेलिया की ग्लॉक कंपनी की ये पिस्टल बन्ना गुप्ता के पास है। ऐसा सरयू राय का कहना था। उनका कहना था कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इस पिस्टल को खुले बाजार में बेचने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस पिस्टल को रखे हुए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने चाईबासा के MP MLA कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। 10 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा किया था। और जब ये नोटिस सरयू राय को मिला था, उसी समय सरयू राय ने कहा था कि यह नोटिस कूड़ेदान में फेंक देने के लायक है। आज जब ये MP MLA कोर्ट ने इस मुकदमे को एडमिशन के स्टेज पर खारिज कर दिया, तब सरयू राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है एक वीडियो के माध्यम से। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो कहा था स्वास्थ्य मंत्री को, उसको सबक की तरह लेना चाहिए था, उस पर अमल करना चाहिए था, लेकिन वे ऐसा नहीं करके कोर्ट चले गए, मुकदमा करने चले गए। और सरयू राय ने ये भी कहा कि जिस तरह से मंत्री के पद पर मदमस्त होकर बन्ना गुप्ता व्यवसायियों को हड़काते हैं, उसी तरह से शायद उन्होंने मुझे भी समझ लिया होगा। लेकिन कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सही फैसला है, उसका स्वागत करते हैं। आइए देख लेते हैं कि सरयू राय इस मसले पर क्या कह रहे हैं। कोर्ट ने बन्ना गुप्ता ने जो मुझ पर मानहानि का मुकदमा किया है उसको खारिज कर दिया है। स्वीकृति के स्तर पर ही खारिज हो गया। जब मुझे बन्ना गुप्ता जी ने अपने वकील से इस बारे में नोटिस भिजवाया था कि आप माफ़ी मांग लीजिए, नहीं तो आप पर 10 करोड़ रुपए का हम हर्जाना के लिए मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे, उसी दिन मैंने कहा था कि नोटिस कूड़ेदान में फेंकने लायक है और मैंने इसको अपने कूड़ेदान में रख लिया है। अब मेरी बात तो सही साबित हो रही है, बन्ना गुप्ता जी ने बयान दिया कोर्ट में जाकर। मैंने इतना ही कहा है इसमें कि ग्लॉक 44 जो पिस्तौल है उसके बारे में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने लिखा है, इसका ऑर्डिनेंस फायर टेस्टिंग नहीं हुआ है। उसने कहा है काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी को इसको जनता सिविलियन के बीच बेचने के लिए नहीं देना चाहिए। तेज विश्वास को उन्होंने काफ़ी पिस्तौल दी है, 21 की भी 44 की भी। तो अब मेरी मेरे इस मेरी बात को सुझाव के रूप में लेना चाहिए था बन्ना गुप्ता जी को, सुझाव के रूप में नहीं लिया उन्होंने, प्रतिक्रिया हुई। अब मंत्री हो गए हैं, मदमस्त रहते हैं, व्यवसायियों को, मारवाड़ी लोगों को, सबको धमकाते रहते हैं, तो उन्होंने मुझ पर भी यही फार्मूला अपनाया होगा। मैं नियम कानून के हिसाब से बात करता हूँ। आज तक मेरे जो भी बातें कही हैं कोई भी एक बात गलत नहीं साबित होती। कुछ बात बोलने के पहले मैं तौलता हूँ अपने आप को, तब बोलता हूँ। तो मेरी बात को सुझाव के रूप में नहीं लेकर उनकी उनकी प्रतिक्रिया हुई, उन्होंने मुझ पर मानहानि का मुकदमा कर दिया। मैंने कहा था कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, मुझे जज साहब बुलाएंगे, तो मैं बताऊंगा कि बन्ना गुप्ता जी का मान कितना है, सम्मान कितना है। केवल मंत्री होने से किसी का मान नहीं बढ़ जाता है। वो 10 करोड़ रुपए का हजारा का मुकदमा मुझ पर कर रहे हैं, तो मैं साबित करूंगा कि उनकी जो वक्त है, सम्मान है, वो 10 रुपये का भी नहीं है। इन बातों को मैंने सादगी तौर पर कहा था। और नियम कानून के हिसाब से कोर्ट में जाइएगा तो आपको सही कानूनी सलाह लेनी चाहिए। दिया नहीं उन्होंने, गए और उनका मुकदमा कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 499 IT Act की 11 इन सब पर जो उन्होंने मुकदमा किया है कि मेरे कहने से उनकी मानहानि हुई है, तो जज साहब ने ही कहा है कि भाई इसमें कोई मानहानि नहीं हुई है। और मैंने जो कहा है वह इन कानूनों के अंतर्गत, कहीं से भी मानहानि वाली बात मैंने नहीं कहा है। तो जो सही बात थी सामने आ गई। शुरू में ही जब मैंने कहा कि उनकी नोटिस कूड़ेदान में फेंकने लायक है, तभी उनको समझ जाना चाहिए था। उनकी कारगुजारियों के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मगर मैं जमशेदपुर पूरब से हूँ और जमशेदपुर पश्चिम से विधायक हैं। अब उनके नित नए कारनामे आते हैं, मैं पहले वहाँ से विधायक था, लोग मुझे बताते हैं। तो मैं तो चाहूँ तो जितने लोगों ने
जेसीबी और पोकलैंड मशीनें गंगा सुवर्णरेखा नदी में उतारा है। उनके कहने से सबका नंबर नोट है, सफल मुकदमा हो सकता है, नदी में नहीं जाना चाहिए, ये कानून के खिलाफ है। तो वो हमारे बातों को सलाह के रूप में नहीं लेते हैं। मैं तो चाहता हूँ सुधर जाए, अच्छा हो जाए, और नहीं सुधरते हैं तो मैं मुख्यमंत्री को कहता हूँ कि भाई इसका प्रभाव आप तक भी आएगा। ऐसा नहीं कि आपका एक मंत्री गलत काम करते रहेगा, सीना तान के गलत काम करते रहेगा, चोरी भी करेगा, सीना चोरी भी करेगा, तो आपका कैबिनेट का मंत्री होने के नाते इसका दुष्प्रभाव आप पर भी होगा। इसलिए अब मेरे लिए बन्ना गुप्ता कोई महत्व नहीं रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो सुधरें, वो कानून के तरीके से काम करें। मंत्री हो गए हैं और कानून के तरीके से नहीं काम करेंगे, कानून का उल्लंघन करते रहेंगे, तो हम लोग तो इसके लिए मुख्यमंत्री को ही जिम्मेदार मानेंगे। आगे ये बात आने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि माननीय न्यायालय का जो निर्णय हुआ है, इस निर्णय को एक सबक के रूप में लेना चाहिए, उनको पश्चाताप करना चाहिए, और वह पिस्तौल उनको अभी भी ये विश्वास को जाके लौटा देना चाहिए, उससे पैसा वापस लेना चाहिए। क्योंकि एक मंत्री के लिए भारत सरकार के सर्कुलर के खिलाफ जाकर एक प्रतिबंधित बोर्ड की पिस्तौल, प्रतिबंधित श्रेणी की पिस्तौल अपने पास रखना, ये निहायत अपराध है और जनता के बीच इसका गलत असर जाता है। पूरा जमशेदपुर उनके कारनामों से परेशान हो रहा है। मेरे पास लोग आते हैं, बताते हैं जिस तरह से अनियमित तरीके से बिल्डिंग बने हैं, भवन बने हैं, कुछ लोगों का संरक्षण उनका है, ये सारे तरीके हैं। मैं तो कहूँगा कि यह फैसला एक सबक की तरफ से बन्ना गुप्ता जी लें, अपने आप में सुधार करें, कानून का पालन करें, संविधान के प्रावधान की इज्जत करें, और एक मंत्री होने के नाते उनको जो नहीं करना चाहिए वो सब काम न करें। ये मेरी सलाह है, सुझाव है आज भी, और मैं चाहता हूँ कि हमारे पड़ोसी क्षेत्र से वो विधायक हैं, जहाँ से मैं पहले विधायक था, तो वहाँ की जनता पर कोई प्रभाव होता है तो वहाँ की जनता मेरे पास आती है, और मैं मौन साधे नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। तो आपने देखा सरयू राय क्या कह रहे हैं, और अब देखना है कि इस मुकाम के बाद, अदालत के इस फैसले के बाद, राजनीतिक नोरा कुश्ती जो सरयू राय और बन्ना गुप्ता के बीच चल रही थी, बन्ना गुप्ता के बारे में सरयू राय लगातार कुछ न कुछ सवाल उठाते रहते हैं, कभी उनके विभाग के कामकाज को लेकर, और कभी स्वर्णरेखा नदी में जब उन्होंने पर्यावरण के नियमों की अवहेलना करके पोकलैंड और जेसीबी से काम कराया था उसको लेकर, या फिर पिस्टल के मामले को लेकर, या फिर अश्लील वीडियो चैट जो कथित रूप से बताया जा रहा था कि स्वास्थ्य मंत्री का है, इन सब मामलों पर सरयू राय लगातार बन्ना गुप्ता पर हमलावर रहे हैं। तो अदालत में इस मसले के खारिज हो जाने के बाद अब देखना होगा कि दोनों के बीच चल रही राजनीतिक नोरा कुश्ती, राजनीतिक जंग अब क्या मोड़ लेती है। बने रहिए मेरे यानी आनंद कुमार के साथ, और देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद, नमस्कार।